सुबह की भूख हो या शाम के चाय का नाश्ता, सैंडविच पुडिंग हम कभी भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया हुआ है, उसको इस तरह से लंबा कट कर लिया था। अब चॉप कर लेंगे ताकि उसके बारीक पीसेस हो जाए। मैंने यहाँ पे 1 कप कैप्सिकम लिया हुआ है। इस तरह से पीसेस हो जाए, फिर उसको कैप्सिकम को हम बाउल में निकाल लेंगे। फिर 1 कप कैबेज लिया हुआ है, उसको भी हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। आप वेजिटेबल्स आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसको भी इस तरह से बारीक करके बाउल में निकाल लेंगे। फिर हम बैटर बनाना, उसके लिए मैंने एक बाउल में 2 कप बेसन लिया हुआ है। उसमें फिर अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को दोनों हाथों से इस तरह से कूट के डालेंगे ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अजवाइन मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच इतना लिया है। फिर दाना जीरा पाउडर डालेंगे, हींग डालेंगे, हल्दी डालेंगे, जो कैप्सिकम मैंने चॉप किया था वो डाल देंगे और कैबेज डालेंगे। टमाटर यहाँ पर मैंने 1 कप लिया हुआ है और धनिया डालेंगे 1 कप। आधा ग्लास पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर उसमें नमक और हींग डालेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और हींग डालेंगे थोड़ा सा, और हींग के ऊपर जो आधा ग्लास पानी बचा था वो डाल देंगे ताकि हींग अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और फिर सभी को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। हमें बैटर को हम 5 मिनट रेस्ट करने रख देंगे। 5 मिनट बाद बैटर को इस तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर बैटर गाढ़ा है तो उसमें पानी डाल सकते हो। एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और फिर घर्षण में इस तरह से उसको स्प्रेड कर लेंगे। बैटर में हम 1 ब्रेड स्लाइस लिया है वो डालेंगे। अच्छे से हमें डिप कर लेना है और वेजिटेबल से हम कोट कर लेंगे ब्रेड को। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। दोनों साइड से हमें ब्रेड को रोस्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे 2 ब्रेड स्लाइस ले रही हूँ। ब्रेड हमारा दोनों साइड से रोस्ट हो जाए, फिर उसको हम पलट देंगे। फिर 1 स्लाइस पे मैंने ग्रीन चटनी लगाई। ग्रीन चटनी की रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। और दूसरे पे मैं चीज़ डाल रही हूँ। और फिर दोनों ब्रेड को इस तरह से रंग लेंगे तो हमारा सैंडविच पुडला रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसे भी हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और इसको टोमेटो केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे।